वाओ यार, आप देखो, आप अंदर से एक बार देखो एक चीज। मोर देन 3000 प्लस स्टोन्स वी मेड। जैसे ये रथ यात्रा होती है ना, जगन्नाथ पूरी यात्रा, यात्रा आपको ये वाला शिखर शिव परिवार का शिखर है। यार कैसे बनाया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट प्रेरणा देने वाला कि हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी, किवें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का दिन मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आ चुका हूँ यूएई अबू धाबी में, और आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ शायद ये आपने पहले कभी देखी होगा। इतना सुंदर टेंपल बन रहा है, आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बनाया जा रहा है। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में आ चुके हैं, और आज आपको एक्सक्लूसिव पूरा टूर करवाने वाला हूँ, कैसे मतलब टेंपल दिखता है अंदर से बाहर से सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि भाई यूएई कैसे पहुंच गया, तो ये पूरी सीरीज इस वीडियो से शुरुआत करेंगे, कैसे आए हम, कहाँ कहाँ घूमे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के बाद मतलब बेसिकली हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप वो जरूर से देखना। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, यहाँ पर आए, इतनी अच्छी जगह पे आए, तो भाई सीरीज की शुरुआत भी यहीं से की जाए। तो चलिए अंदर चलते हैं, पूरा वीडियो बारी बारी बोल रहा हूँ, जरूर से देखना, मजा बहुत आने वाला है। भाई फाइनली अंदर आ चुके हैं और चलते हैं, यहाँ पर एंट्री करती है ना, वहां से एंटर हुए हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मतलब पासेस मिल जाएंगे, तो वो कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी जा रहे हैं हम अंदर, और यहाँ पर एंट्री पे सबको एक स्वीट जैसे कहते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो हमारे वहाँ मोली कहते हैं, तो मोली बांधा जाएगा हाथ पे। कलावा मोली, हाँ जी, ओके। भाई कितना स्वीट जेस्टर है यार, सच बता रहा है, वेरी वेरी लकी कि आज मुझे इस जगह पे मौका मिला, और वो भी स्पेशल आपको एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाने का, मतलब जिस चीज़ के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। और इवन मैं दुबई आने से पहले भी सोचा था कि यार यहाँ पर जाऊँ, और देख लो भाई, भाई एनी चांस कह सकते हैं आप, मेरी फ्लाइट मैंने एक दिन कैंसिल करवा दी, कोई दिक्कत नहीं। और थैंक यू सो मच जो भी ऑर्गेनाइजेशन से देख रहा है, ये देख लो ये अपने को पास मिल चुका है, दैट इज़ मीडिया पास, और आज का मतलब कह सकते हैं क्रिएटर्स के लिए इन्होंने रखा था प्री ओपनिंग इवेंट, जिसमें आज डेट और सब कुछ मेरा नेम भी मेंशन है। कभी सोचा नहीं थे भाई मैंने कि दूसरी कंट्री में आकर पूरे अच्छे से कवरेज करने को मिलेगा, और आपके भाई को ये पास मिलेगा। थैंक यू सो मच सभी को, और प्रभु जी की कृपा से ये पॉसिबल हुआ है। और हवाएं इतनी तेज चलती हैं ना, पहले भी आया था आप वीडियोस में देख लेना, आगे वाली वीडियोस में, बट यहाँ पर अभी आई गेस थोड़ा अरेंजमेंट रखा गया है, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, फिर आपको अच्छे से टूर देंगे अंदर जाकर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो भाई फाइनली जाकर अभी कैसे जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। Hindu Mandir Abu Dhabi, talents, our abilities, our skills, or whatever we could do, and that gave us an immense joy and peace at heart. Circle up, literally, who is who of the social media is right here, and that deserves a round of applause and welcome again. Thank you. Pramukh Swami, when I met him in Sarampur, and I said, Swamiji, what should we write in the letter? He said, be honest, be truthful. As people climb the ladder of success, they are searching for honesty and truth. ओरिएंटेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं भाई, आपको मंदिर का एक्सक्लूसिव टूर करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में आपको मैं बताता हूं, और कब ओपनिंग है और कब पब्लिक के लिए ओपन है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो जरूर से वीडियो एंड तक देखना। फाइनली माइक लगा लिया, बताना कैसी आवाज़ आ रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं, गाइड भी प्रोवाइड किए गए जो भी मतलब वॉलंटियर्स हैं बेसिकली BAPS के, तो वो भी देखते हैं साथ में चलेंगे उनके, और वो अच्छे से टूर भी कराएंगे, लेकिन वो इंग्लिश में ज़्यादा बताएंगे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हिंदी में मुझे मतलब एक्सप्लेन कर पाएं, क्योंकि आपको पता है अपनी ऑडियंस थोड़ी हिंदी में देखना पसंद करेगी। बस सर मेरे साथ, सर आपका नेम क्या है? मेरा नाम विवेक मिस्त्री है। थैंक यू सो मच सबसे पहले, तो क्योंकि ना मैं चाहता था कि आप सबको एक बार हिंदी में अच्छे से समझाया जाए, तो आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं हूँ तो मुंबई से। ओके मुंबई से ही हैं। 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो चलते हैं, तो आप पूरा वीडियो में आपको अच्छे से दर्शन भी कराएंगे, लेकिन 14th को बेसिकली ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है ना। 14th को यहाँ पे पहले जो फर्स्ट हाफ में मूर्ति प्रतिष्ठा होगी जी, और उसके बाद इवनिंग में श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इस टेंपल का उद्घाटन करेंगे, और पब्लिक के लिए 1st of March रखा गया। 1st of March से पब्लिक के लिए दर्शन होंगे। आपने जैसे सुना कि स्वामी जी ने कहा कि ये पूरा प्रोजेक्ट में 13.5 एकड़ में मंदिर बना हुआ है पूरा कॉम्प्लेक्स, और 13.5 एकड़ में जो दिख रहा है ये पूरी पार्किंग, 13.5 एकड़, हाँ 13.5 एकड़ की पूरी पार्किंग है, और 13.5 एकड़ का पूरा कॉम्प्लेक्स है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर मंदिर भी पार्ट है। जैसे फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि ये रहा इमर्सिव टेंट, यहाँ पे वी कुड हैव द कंप्लीट
सारा ऑडियो वीडियो शो रहेगा जहाँ पे बताया जाएगा हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल और ये क्या इम्पैक्ट कर रही है वर्ल्ड के लिए, ये टेम्पल क्या इम्पैक्ट ला रहा है. ओके सो इसके ऊपर पूरी सारी जानकारी विजिटर्स यहाँ पे आएंगे. तो बेसिकली जो नैनो टाइल्स है, मैंने जितना पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि वो हीट ज्यादा, अगर आप 50-55 डिग्री के हीट में भी अगर वो आप चलोगे उसके ऊपर तो आपको नहीं फील नहीं होगा ना बिल्कुल भी, बिकॉज़ जैसे हिंदू ट्रेडिशन में होता है कि आप चप्पल निकाल के जाते हैं टेंपल में. जब आप शू हाउस में चप्पल निकाल के जाएंगे और आप मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो आपको उसके ऊपर चलना है. करेक्ट. महंत स्वामी महाराज का हमेशा से यही एक चीज रही है कि हम कैसे, हम सारे भक्त और सारे जो यहाँ पे आएंगे जी जी, उनको हम कैसे सुविधा दे सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. सो ये पूरी चीज के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे ना बहुत विचार किया हुआ है. करेक्ट. अभी तो आप देखते रहो पूरा वीडियो, आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा शायद आपने पहले कभी नहीं देखी, इवन मैंने भी नहीं कभी देखूंगी. यहाँ पे दो टाइप के स्टोन्स यूज किए गए हैं. पहला वाला है पिंक राजस्थान मार्बल. ओके. विच इज अ सैंडस्टोन. सैंडस्टोन. और जरा इंटरनल है वो इटली से, इटालियन मार्बल. अच्छा, इटली से आया. इटली से आया इटालियन मार्बल. ये सारा मार्बल माइन से निकाल के इटली से इंडिया गया पहले. ओके. और फिर इंडिया में आर्टिस्ट्स ने काम किया उसके ऊपर. ओके. उसके वापस और उसके बाद उसको फिर यहाँ पे लाया गया और असेंबल किया गया. क्या बात है, मतलब पूरा इटली से डायरेक्ट पहले इंडिया गया मार्बल, वहाँ पे कार्विंग हुई. राजस्थान में ही हुए ना बेसिकली. राजस्थान में. तो देख लो भाई, ये है मेन एंट्रेंस और आपको जैसा पूरा एक एक डिटेल में बताऊंगा. अभी अंदर जा रहे थे टेम्पल के, बट उससे पहले सर आप बता रहे थे इस जगह के बारे में. हमेशा सुना होगा की मिडिल ईस्ट इज ऑलवेज फेमस फॉर रण. करे करे. यहाँ पे रण के अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलता है. जी, रेती मिलती है. बट इस मंदिर के अंदर हमने अपनी हिंदू इंडिया से तीन बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं जो रिवर्स हम कहते हैं. हाँ जी, गंगा, यमुना और सरस्वती. ओके. तीनों तीन नदियाँ यहाँ से बहना शुरू करेगी. ओके. ये गंगा लेफ्ट साइड से बहेगी. ओके. और यमुना जो होगी वो राइट साइड से, और सरस्वती जैसे हमेशा वो हिडन होती है, वो इन फॉर्म ऑफ लाइट हिडन रहेगी इन सेंटर. क्या और जहाँ पे ये तीनों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है जी जी, वहाँ पे ये मंदिर खड़ा हुआ है. तो ये वाली जो आपको सर बता रहे थे ना नैनो टाइल्स, बेसिकली ये वाली टाइल्स हैं जहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे ना मंदिर की इधर से. तो यहाँ पर ये है नैनो टाइल्स. बेसिकली आपको मतलब हीट कम लगेगी, आपको पता ही है जैसे सर बता रहे थे कि कोई भी मतलब मंदिर में आता है तो नंगे पांव आते हैं और दर्शन करने जाते हैं तो गर्मी ना लगे. में होने वाला है हमारा पूरा रिटेल शॉप. ओके. रिटेल शॉप रहेगा. सारे गिफ्ट आइटम्स और सारे चीज यहाँ पे दी जाए. अच्छा, लेफ्ट साइड में. और जो राइट साइड में हमारा शू हाउस है. ओके. लोग जो पहले आएंगे यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतारेंगे. ठीक है. और फिर यहाँ से मंदिर के तरफ दर्शन करने जाएंगे. देख रहे, यहाँ पे हमने 96 घंटियां लगाई हुई है. ओके. मतलब लेफ्ट में भी 90. ओके. टोटल 96 घंटिया है. ओके. गौमुख जो स्वामी जी बात कर रहे हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सारे गौमुख के यहाँ से पानी आता रहेगा. तो अबाउट द मदर नेचर, तो राइट में अगर आप जाते देखोगे यहाँ पे ये है वाटरफॉल. यूजुअली आपने वाटरफॉल देखा रहेगा जो हमेशा नीचे आता है. हाँ जी हाँ जी. बट यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट बताया कि यहाँ पे धाराएं नीचे से ऊपर जाएंगी, फिर नेक्स्ट लेवल से अपर लेवल पे जाएंगी. सिग्निफिकेंस ये है कि हम हमेशा पता है हमको कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे दुख होते हैं जी सर. बट वी हैव टू राइज फ्रॉम देयर. हमें वहाँ से ऊपर चढ़ना है. ऊपर चढ़ना है. ये वाटरफॉल वो प्रेरणा देने वाला है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना है. हमें बहुत सारे जन आएंगे जो हमें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बट हमें थमना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें बस आगे बढ़ते रहे. अभी अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर आ चुके हैं. सो ये रहे, ये है जो पहली प्रदक्षिणा वाला पद. हाँ जी हाँ जी. यहाँ पे पूरे सारे कार्विंग्स को आपको देखने मिलेगा. ठीक. यहाँ पे सात शिखरों वाला ये मंदिर. सात शिखर वाला मंदिर जो सात एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करता है यूएई के. जी जी. जैसे कि दुबई, अबू धाबी, ओके, शारजा, अजमान, ओके, रसल खेमा, फुजेरा, उमल क्वैन, ऐसे. अच्छा, ऐसे मतलब सबको रिप्रेजेंट करता है. सारे सारे से सारे सात जो है यहाँ पे. मैंने सुना था कि मतलब मंदिर के अंदर हिंदू धर्म को मतलब पूरा अच्छे से दिखाया गया है. हाँ जी. हर एक जैसे हमने पूरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब के कॉर्नर्स में जो देव देवता हैं. हाँ जी हाँ जी. उनके परिवारों को हर शिखर में लगाया हुआ. अच्छा, हर शिखर में. हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं. हाँ जी हाँ जी. शुरुआत सबसे पहले ये होती है कि यहाँ पे जो आप कार्विंग देख रहे हो जी, स्वामी जी ने आपको बताया कि इस मंदिर का एनविजनिंग जो इसका जो संकल्प जो था जी, ये वो वाला मोमेंट है जहाँ पे 1997 में जी सर, प्रमुख स्वामी महाराज हमारे जो गुरु थे जी जी, वो यहाँ पे पधारे थे और उन्हें शारजा के डेजर्ट्स में लेके गए थे. ओके. तब यहाँ पे कुछ हरिभक्त और संतों के साथ इन्होंने प्रार्थना की थी और प्रार्थना के अंत में ये कहा था कि आबू धाबी में मंदिर बने.
ऐसी प्रार्थना की थी, प्रार्थना की थी। तो 1997 का ये संकल्प है, 5th अप्रैल 1997 का संकल्प है। तो हमने उस चीज़ को कार्व किया, यहाँ से हमारी एक्चुअली शुरुआत होती है। बहुत ही सुंदर आप कार्विंग देख रहे हैं यार, मतलब बारीकी देखिए, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अभी जैसे स्टार्टिंग ही आगे देखते रहें, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा ना, आपको दिल खुश हो जाएगा और फील कर सकेंगे आपसे। हर एक ब्लॉक, हर एक सेक्शन में एक स्टोरीज है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एलिफेंट वाली स्टोरी, इसमें ये बताया गया कि 7-8 बंदों को ना ब्लाइंड फोल्ड करके उन्हें हाथी के अलग अलग चीज़ों को हाथ लगा के पूछा था कि आपको क्या लगता है क्या है। तो किसी ने ट्रंक लगाई, उसने बोला कि ये ट्रंक है, किसी ने पूछ देखी, किसी ने पीठ देखी, किसी ने कान दिखे, और सबने अपने हिसाब से बताया कि ये है, ये ऐसा हो सकता है। तो सारों के सारों ने अलग अलग जवाब दिया। हमें ये बताता है कि हमारे पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, बट चीज तो एक ही है, एक ही चीज तो है। कोई गलत या कोई सही नहीं है, बट हम जिस हिसाब से देखते हैं उस चीज को, फील करते हैं, हम उसका अंदाजा लगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे, आप बहुत सारी यहाँ पे स्टोरीज है। तो यहाँ से पूरा का पूरा जो ये वाला जो आप देख रहे हो शिखर, हाँ जी, ये पूरा शिव परिवार का शिखर है। ओके, ये वाला शिखर शिव परिवार का शिखर है, पूरा पूरा शिव परिवार का शिखर है। ओके, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो स्टोरी कार्व की गई है यहाँ पे, वो पूरी शिव भगवान की। अगर देखोगे कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हमेशा इस लेयर पे हम यू नो एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस कार्व करते हैं, बट सिंस ये मिडिल ईस्ट है तो यहाँ पे हमने ऑरिक्स और कैमल्स भी इस यहाँ पे कार्व किए हुए हैं। करें कि आपको मैं दिखाता हूँ क्लोज से, आप देखेंगे यहाँ पे पूरी सीरीज ऑफ कैमल, हर एक जी कार्विंग यूनिक है। हर एक यहाँ पे जो हर एक एनिमल्स है या कोई भी जो एलिमेंट्स है वो पूरा यूनिक है, कोई भी रिपीट नहीं लग रहा है। करेक्ट, मैं वही बोलने लगा था कि जो भी मैं चीज देख रहा हूँ ना कुछ अंतर हर चीज में, हर में कुछ अंतर, हर एक में कुछ अंतर, किसी में पैर में, किसी के मुंह में, किसी के हाथ में, किसी के कान में, पूरा अंतर। वाओ यार, सच में दिल खुश हो गया। आप देखो सरी इस चीज को कितनी अच्छी तरीके से कार्विंग की हुई है, कला देखो आप। मैंने कहा ये पूरी शिव कथा है। जी जी, आप जो देखेंगे पूरा का पूरा शिव पुराण यहाँ पे किया हुआ है। आप जो मुझे ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे थे, हाँ जी हाँ जी, 12 ज्योतिर्लिंग की यही रहे सामने, सारे के सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे कार्व किए हुए हैं, सारे के सारे। मैं सर को बता रहा था कि मैं गया था 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए, और वो सर ने बोला कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा करके आए, आपको कार्विंग दिखाएंगे। तो जैसा सारे के सारा 12 ज्योतिर्लिंग आपको यही मिलेंगे बीएपीएस हिंदू मंदिर में कार्व किए हुए। क्या बात है, ये देख सकते हैं आप 12 की 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर कार्व किया हुआ है। एक बार आपको क्लोज से मैं दिखाता हूँ, देखो आप यार कैसे बनाया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत टाइम लगा सर इसको, तो बहुत टाइम लगा हुआ ना बनाने के लिए। हमें 4 साल लगे, सिर्फ चार साल बना दिया मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर, सच बता रहा हूँ। पिछले एक साल में सिर्फ इसको असेंबल किया है, 4 साल पूरे लग गए इसको। ओके, पूरे कार्विंग्स और सब कुछ आते हैं, और फिर एक साल में पूरे असेंबल करके ये पूरा मंदिर। हाँ, आपने सुना होगा वाराणसी घाट। हाँ जी हाँ जी, वाराणसी। हमने कहा कि गंगा नदी यहाँ पे बहने वाली है, तो गंगा नदी यहाँ से बहती रहेगी, और ये जो पूरा है हमें कहा गया एम्फीथिएटर, वाराणसी घाट इंस्पायर्ड एम्फीथिएटर। ओके, लोग यहाँ पे आएंगे शाम के माहौल में, आप देख रहे हो आज शाम ही है, यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे और आरती करेंगे। यहाँ पे 2 आरतियाँ होंगी सवेरे 6:30 बजे और 7:30 बजे। तो 7:30 बजे लोग यहाँ पे बैठ के यू नो यहाँ पे फाउंटेन और सारे पानी का जो लाइट्स एंड एवरीथिंग उसका पूरा रहने वाले हुए, हाँ सारा कसर, और यहाँ पे बैठ के आरती करेंगे। ये शिखर जो आया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा शिखर जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ जी के, तो पूरी जगन्नाथ की यात्रा हमने कार्व की हुई है। ये आपको कहीं पे ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पे सारे देवी देवताओं को अच्छे के बारे में पूरी तरह से कार्विंग की हुई है। आप देखें क्लोज में, मैंने बहुत बार जगन्नाथ टेंपल आपको मैंने दिखाया भी, तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये रथ यात्रा होती है ना जगन्नाथ जी, पूरी यात्रा रथ यात्रा आपको पता ही होगा, तो इस बार मैंने मिस किया था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं उस चीज को पूरा अच्छे से दर्शाया गया है। पूरा का पूरा महाभारत यहाँ पे कार्व किया, अच्छा पूरा का पूरा महाभारत के बारे में पूरा दर्शाया गया है। ये जो वस्त्र द्रौपदी पूरा का पूरा हर एक चीज, हर एक यहाँ पे जो हर एक ब्लॉक है, हाँ वो पूरी स्टोरीज है। सो जो लोग यहाँ पे आएंगे जी जी, उनको हरे अपने जो ओल्ड ट्रेडिशंस और कल्चर्स हिंदू धर्म के बारे में पूरा डिटेल में दर्शाया गया। हम आ गए हैं सेंट्रल जो मेन शिखर जो है, ओके, वो पूरा जो भगवान स्वामीनारायण का है, हाँ जी, उनकी पूरी पूरी कहानी यहाँ पे स्केच की हुई है, राइट फ्रॉम जब उन जब वो छोटे थे, जब उनको घनश्याम करके बुलाते थे, जब जी उन बड़े हुए 11 साल में, जब उनका नाम नीलकंठ वर्णी हुआ, एडल्ट स्टेज में आया तब वो सहजानंद स्वामी करके बताया जी, ये जी। पूरी जो यात्रा है उनकी, अच्छा पूरी यात्रा स्टार्टिंग से लेकर उन्होंने जो पूरी यात्रा की थी, हाँ जी, पूरी यात्रा के बारे में बताया हुआ है। तो ये सर बेसिकली जो मंदिर के बैक साइड पे ये क्या रहने वाला है, ये पूरा ये बैक साइड ऑफ है मंदिर का, हाँ यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है हमारा असेंबली हॉल। ओके, असेंबली हॉल, यहाँ पे कल्चरल
सारे कम्युनिटीज अपना कल्चर फेस्टिवल्स और सारे कुछ यहाँ पे होते हैं। हमारे जो 16 संस्कार बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, राइट फ्रॉम से जनोई मुंडन ब्याह ओके और कंडोलेंस मीटिंग्स ओके, ये सारे चीज यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स आके यहाँ पे कर सकते हैं। कैपेसिटी अराउंड 2,500 to 3,000 मतलब पीपल अंदर आ सकते हैं, 3,000 लोग यहाँ पे आ सकते हैं। क्या बात है, मतलब बिल्कुल मंदिर के बैक साइड पे बनाया हुआ है। बैक एंड पे जो लोग वर्क करते हैं उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है, उनको दिखाना भी बहुत जरूरी है। तो देख लो जितनी भी कार्विंग हुई, जैसे मैंने आपको बताया, ये छोटी चीज आपको बताएं कि कैसे चीजों को नो साफ किया जाता है कार्विंग के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्कर्स को हमने खास रखे हुए जो फाइनल टचेस दे रहे हैं इनको, कि जो भी कोई भी सीमेंट का जो कुछ होता है या कुछ भी डाल जो होते हैं उनको साफ करते हैं वो लोग पहले चीजें, और फिर उसके बाद फिनिशिंग। मैं वही बता रहा था कि बैकेंड पे इन लोगों का बहुत मेन योगदान है कि पूरे मंदिर के अंदर कहीं पे भी फेरस मटेरियल नहीं है, जैसे कि आयरन स्टील कुछ भी नहीं है। अच्छा, पूरे मंदिर के अंदर? इसके लिए तो हमारे मंदिर पूरे ट्रेडिशनल वे में बना गया है ताकि ये हजारों साल से भी ज्यादा रह सके। करेक्ट, कोई भी फेरस मटेरियल यूज नहीं किया गया है। अच्छा अच्छा, साउथ के जो बालाजी, तिरुपति बालाजी उनके उनका शिखर है, तो उनकी लाइफ स्टोरी की कार्विंग दिखाई है। क्या बात है, मतलब आपने एक ही मंदिर में पूरा हिंदू धर्म को दर्शाया गया, जितना हाँ, कोशिश, हाँ, हो पाए, जितनी कोशिश हो पाई है। अब आपको मंदिर में अंदर लेकर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं, बाहर से जितना हो पाया मैंने आपको अच्छे से दिखाया, अब अंदर की कार्विंग दिखाते हैं। जो मार्बल, ये तो मार्बल जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बेसिकली रेड स्टोन सैंड स्टोन मार्बल है राजस्थान से। जो अंदर है वो है इटली से इम्पोर्ट किया, इटली से वाइट मार्बल, वाइट मार्बल। तो जैसे आप इधर आए, हाँ तो मैंने आपको बताया जो शिखर देख रहे हैं, तो अय्यप्पा स्वामी जी का शिखर ये बन रहा है। ओके, यहाँ पे पूरा स्थान बन चुका है ओके, और लगभग 2-3 दिनों में यहाँ पे मूर्ति भी आ जाएगी। ओके 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 ओके, तो मूर्ति बेसिकली कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये सारे ट्रेडिशनली अपने अपने स्टेट से आ रही है। ओके ओके, जो स्पेशल जो लोग हैं उनके तंत्री जी हैं जी जी, उनके उनके दर्शन से, उनके मार्गदर्शन से ही पूरी चीजें बनाई अच्छा बनाई जा रही हैं। वाओ यार, आप देखो, आप अंदर से एक बार देखो एक एक चीज। मैंने एक वीडियो में देखा था कि पिलर छोटे पिलर से आपको सारी चीज बताऊं। यहाँ पे जो दो पिलर्स रखे हुए हैं, हाँ जी, ये पिलर्स इज वुमन एम्पावरमेंट। यहाँ पे हमने सारी यू नो जो डिवोटीज है, वुमन डिवोटीज एंड गॉडेसेस, उनको बताया फॉर वुमन एम्पावरमेंट। सो ये वुमन एम्पावरमेंट का शिखर है। ये वाला जो आप देखोगे शिखर, हाँ, ये है भगवान बालाजी का। अच्छा, ये वाला भगवान बालाजी का है। यहाँ पे सारे पिलर्स, हाँ जी, सारे डोम्स यूनिक है। हर एक डोम को आप देखोगे इसमें यूनिक कार्विंग है पैटर्न की। बिल्कुल अलग, हाँ सही कह रहे हो आप सर। ये देखो इनका पैटर्न देख सकते हैं, इधर बिल्कुल अलग का। एक बार जूम करता हूँ मैं, ये देखो ये बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर बाजू में देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग है। एक एक चीज यूनिक बनाई हुई है। हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम आएंगे डोम ऑफ हार्मनी। ओके, डोम ऑफ हार्मनी। ओके ओके, जैसे स्वामी जी बता रहे थे। हाँ जी जी, तो ये है डोम ऑफ हार्मनी। हमारे जो पांच तत्व है होते हैं जी जी, जैसे बोलते हम धरती जी जी, अर्थ ओके, पानी पानी, फायर सब कुछ, विंड और स्पेस। ये जो अपने पांच तत्व एलिमेंट्स है, और आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर में दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जो मदर अर्थ करके बोल के हमने काउस को लगाया, हमारे ऐसे हिंदू ट्रेडिशन में जी जी, जो गाय को माता मानते हैं, हाँ तो मदर अर्थ करके थे, पूरा अर्थ यहाँ पे दर्शाया। अच्छा, हुआ है फर्स्ट लेयर में जी जी सर। सेकंड लेयर आप देखोगे शंख जो पानी बारे में बता रहा है जी जी। फिर ऊपर जो है फायर, सही कह रहे हो आप, सूर्य देवता के बनाए हुए हैं। हाँ, ऊपर जो डियर है वो पूरी विंड दर्शाता है। ओके ओके, और टॉप मोस्ट में अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा का पूरा लूनर साइकिल मून का है, राइट फ्रॉम क्रेसेंट से लेके फुल मून तक। जब ये सारे पांच अलग अलग भिन्न रखी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हम जो ह्यूमन से डिफरेंट रेस रिलीजन से ऐसा वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये पूरा इसलिए इसको कहा गया डोम ऑफ हार्मनी। ये चीजें मैं आपको दिखा नहीं रहा, ये स्वामी जी ने नीचे बताया भी था ओरिएंटेशन में कि इस चीज को आप फील करना, ना कि आप दिखाना। दिखाने से पहले जो फील कर पा रहे हैं इनके मीनिंग्स का, वो बहुत ही अलग है। आगे आपने जो पिलर्स ऑफ पिलर्स की बात की थी उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे मैं सर को बता रहा था कि मैंने ना एक वीडियो में देखा था पिलर्स ऑफ पिलर्स, वो बनाया गया, वो मैंने कहीं और बाहर नहीं देखा, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो ये रहा, ये देखो पिलर्स ऑफ पिलर्स के 1400 से भी अधिक पिलर्स से ये बड़ा पिलर स्टैंडिंग कर रहा है। वाओ, देखोगे यार, अब ये देखो मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे देख रहे हैं इसके बीच में ये पिलर्स हैं, इस छोटे छोटों को यूज करके। और ये सारे लगाए नहीं है, ये काव किए हुए हैं। अगर यहाँ से कभी भी एक स्टोन में से अगर कोई भी पिलर टूट जाता था, पूरा का पूरा स्टोन फेंक देना पड़ता है। ओके, क्योंकि हर क्योंकि इस बिकॉज़ इस जहाँ पे चिपका नहीं सकते। करेक्ट, ये पूरा इंट्रिकेट कार्विंग्स है, पूरे आई वुड से 4-dimensional कार्विंग्स की गई है। ये हर एक सर जो पिलर है उसकी साइड में ये लगा, ये साइड में सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि कार्विंग देख सकते हैं ना कार्विंग कितनी बारीक की गई है।
तो ऐसा ना होना भी कल को खराब हो, तो इट्स बेटर है बहुत इस सारे चीजों को प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करना है। जी जी सर, चलिए आगे चलते। ये जो सेंटर शिखर भगवान स्वामीनारायण का शिखर होगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर मध्य शिखर है, तो इसका इसका शेप पहले है ये स्क्वायर शेप में बना हुआ, हर एक की पिलर की शेप भी अलग है। ओके हाँ, ये कोई ट्रायंगुलर है, कोई सर्कुलर है, कोई हेक्सागोनल है, कोई स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो भगवान स्वामीनारायण के बारे में पूरी तरह से कार्विंग्स की हुई, उनकी सारी स्टोरीज है। यहाँ पर देख सकते हैं ये शिखर रहने वाला है जगन्नाथ जी का, और पूरी में मैंने आपको बहुत बार दर्शन भी करवाए हैं। तो सर बता रहे थे कि यहाँ जो जगन्नाथ जी की मूर्ति रहेगी वो लकड़ी ट्रेडिशनली 8 लेयर्स ऑफ वुड के साथ बनी हुई, पूरी तरह से ट्रेडिशनल वुडन ही होगी। अच्छा, जैसे वहाँ पर जैसे होती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, और काफी अदर क्रिएटर्स भी आए हुए हैं। एंड आई एम थैंक यू सो मच भी मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला, आप सबको वर्चुअली दर्शन करवाने का मौका मिल रहा है। शुरू किया था यहाँ से। हाँ जी, और ये राम सीता भगवान का। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर देख लो श्री राम जी का शिखर रहने वाला है, राम सीता भगवान जी का, और ये वाला है शिव जी का, शिव जी का शिखर है। यहाँ से ये वाला शिखर देखो, जो अंत वाला सातवां शिखर देखा है हमने, जहाँ पे वाल्मीकि जी रामायण लिखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से पूरी यहाँ से शुरुआत होती है, पूरी रामायण यहाँ पे काफी है। ये पूरा शिखर, ये जो शिखर है जो राम सीता भगवान के लिए का शिखर है, तो पूरी की पूरी रामायण यहाँ पे आप देखोगे, पूरी ये देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में से लेकर ये पूरी रामायण के बारे में दर्शाया गया है। ये आखिरी शिखर है, 7th नंबर शिखर पे पूरा रामायण यहाँ पर खत्म होता है। मतलब आप देख सकते हैं ये शिखर पे स्टार्टिंग से लेकर जो एंड हुआ है यहाँ पर, मतलब रामायण के बारे में पूरा बताया गया। जो पार्ट है अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन स्टार, ओके ये आप जब यहाँ पे देखोगे सबसे बड़ा ये अरेबिया सिविलाइजेशन है। ओके इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। यहाँ पे हर एक जो सिविलाइजेशन की स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। ये जो थे वो किंग सोलोमन थे, ये किंग सोलोमन थे, जब वो अपने यात्रा पे निकलते थे तो बहुत धूप होती थी, राइट, तो ये जो बर्ड होप बर्ड कहते हैं इसके, ये सारे एक साथ आ जाते थे और उनको सन से बचाते थे। एक बार राजा ने बहुत खुशी होकर उन्हें कहा कि उन्हें मांगे, आप मांगो आप क्या चाहते हो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि यू नो हमें ना आपके आपके जो सिर में जो क्राउन है, जो अब मुकुट है, वैसा मुकुट हमें भी चाहिए। ओके, तो इन्होंने कहा कि ओके हम सारे उसके लिए मुकुट बनाएंगे। तो आप देखिए छोटे छोटे मुकुट बनाए, छोटे मुकुट भी बर्ड पे बनाए हुए हैं। तो जब उन्होंने मुकुट आ गई तो ये बहुत ही अपने वो बहुत ही प्राइड, बहुत घमंड आने लगा, उन बाकी लोगों से बात नहीं करते, उनको बहुत नीचा दिखाने लगे। जी जी। बट क्या होने लगा, इन मुकुट के कारण जी हमेशा जाल में फंस जाते थे। करेक्ट, ओके, वो इतने परेशान हो गए क्योंकि भाई हमेशा हमारी जान जा रही है एंड एवरीथिंग। सो वो राजा के पास फिर गए, उन्होंने कहा यू नो राजा हमसे प्लीज ये मुकुट ले लो वापस, ले प्लीज हमसे मुकुट ले लो, ओके, क्योंकि हमारी यहाँ पे जाने जा रही है। और उन्हें पूछा राजा से कि राजा आप मुकुट बदलो, आपको तकलीफ क्यों नहीं होती है। तो उसने कहा कि सेवा वाला जी, न दिखने वाला मुकुट अगर आप पहनोगे जी, ओके, वो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है जो दिखावे वाले से। हर एक कार्विंग के पीछे स्टोरी है, ऐसा नहीं है कार्विंग कर दी है, नहीं, हर एक कार्विंग के पीछे कुछ स्टोरी दर्शाई गई है। राइट फ्रॉम पैरट्स, पिजन्स, पीकॉक्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, सारे के सारे पशु पक्षी यहाँ पे दर्शाए गए। इसकी भी स्टोरी मैं आपको छोटे से बता देता हूँ कि यहाँ पे ना जब ये पानी जो लोग पानी देने जाते थे यहाँ पे ना दो घड़े होते थे, एक घड़ा अच्छा होता था और एक घड़े में कुछ का छेद होता था। ओके, तो जब लेके जाते थे ना यहाँ पे तो जो घड़े में जो छेद था उससे पानी गिरते रहता था, तो हमेशा जो घड़ा जो होता था ये हमेशा नाराज रहता था। ओके, और हमेशा कहता था यार मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है क्योंकि मैं तो जब जहाँ लास्ट में पहुँचता हूँ तो मैं सिर्फ आधा पानी दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी वैल्यू बहुत है, देखो ये साइड का जो इस लेफ्ट साइड का जो पूरा जो एरिया है और राइट साइड का। जब उन्होंने देखा कि लेफ्ट साइड के एरिया में सारे फूल पौधे और ये सारे जो आप कार्विंग देखे वो उग गए, इतना बहुत ही ब्यूटीफुल आया, और राइट साइड का तो वैसे का ऐसा ही रहा था। तो इसे कहा कि देखो आप अपने आप को कभी छोटा ना समझे, आपको लगता है कि आप क्या योगदान दे पाओगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज जो उतना भी योगदान दे पाता है चाहे वो पूर्ण तरह से हो या आधा हो वो हमेशा वैल्यूएबल। अंत में जब यहाँ पे आओगे तो आप ये देखोगे कि 2019 में जब यहाँ पे पूज्य महंत स्वामी महाराज हमारे जो गुरु हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर मंदिर, ओके, जब वो यहाँ पे आए थे, जब शिलान्यास की पहला ईट यहाँ पे रखा हुआ था, तब जब यू नो सारे अरेबियन यूएई के लीडर्स ने उनका स्वागत किया था, आज ये मंदिर यूएई का पूरा एक स्काईलाइन बन चुका है। अगर आप देखोगे तो सही कह रहे हैं सर। अभी आपको खास एक बहुत बड़ी अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ कि हमने हमारे यहाँ पे टाइनी ट्रेजर्स करके छोटे बच्चों ने जो काम किया हुआ है। हाँ जी, तो उसके बारे में आपको भी लेके जाऊंगा नीचे वाले प्रोडक्शन। चलो सर, पता था आपके लिए 360 शॉट्स लेना, बट यार इसकी स्टोरेज फुल हो चुकी है और स्टोरेज खत्म करने के लिए इंटरनेट चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मेरी रात की फ्लाइट भी है यहीं से अबू धाबी से।
तो लगभग मैं आपको डिस्टेंस भी बताता हूँ, अगर आप मंदिर में आएंगे तो दुबई से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के करीब रहेगा और आबू धाबी से लगभग 60 किलोमीटर पहले, मतलब जो हाईवे है ना, तो हाईवे के बीच में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा भाई जब भी ओपनिंग हो रही है आप आइए, सब लोग दर्शन करें और मुझे तो बहुत अच्छा। शूज़ पहनते हैं और अब चलते हैं, आपको नीचे लेकर, सर वेट कर रहे हैं मेरा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी फोटो क्लिक कर रहा था, महंगा यार थंबनेल तो निकालें, अकेला होना यार मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार। इंस्टाग्राम पे लिए मैंने सोचा था रील बनाऊंगा बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा ढंग से बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग जो टाइनी ट्रेजर्स करके जो हमारे पूरा प्रोजेक्ट है, हाँ जी, उसके बारे में आपको थोड़ी सी ना पूरी पूरी की पूरी प्रोसेस बताएंगे। सो ये जो यहाँ पे आप जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सारे पीसेस है आपको छोटे बच्चे ही एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट्स योर नेम? आर्ष, माय नेम इज आर्ष एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट टाइनी ट्रेजर्स। सो फर्स्ट वी टेक स्टोन्स फ्रॉम द मंदिर एंड देन आफ्टर वी ग्राइंड इट। व्हाई वी ग्राइंड? बिकॉज़ टू मेक द रॉक स्मूथ एंड वी कैन राइट ऑन इट। आफ्टर वी पुट कॉल्ड प्राइमर। So okay. When we put primer, this becomes bright, so everybody can see it. Wow. After, so beautiful. We put colors over here to make it bright, like this one. After that, there is more than 3,000 plus stones we made. And okay. Every Sunday, 100 kids like us comes and 10 karyakar. Wow. After, we move on to writing. And coloring. It's so nice. आप देखो छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं यहाँ पर। Wow. Then we write positive messages to make all everybody happy. Move on to the tiny girl. This wow. And good evening. My name is Devanshi. After this entire process, we make tiny treasures with our tiny hands. These stones are part of थैंक यू सो मच यार, कितना सुंदर बनाया हुआ यार, दिल खुश हो गया सर। ये कह सकते हैं मंदिर की बेस्ट पार्ट, बच्चों ने कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना लगन से दिल से कर रहे हैं। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली बाहर पूरी पार्किंग एरिया रहने वाला है वो वाला। तो मंदिर का तो मैंने आपको अच्छे से टूर करवा दिया, ये सामने देख सकते हैं ये है पूरा पार्किंग एरिया। तो अभी मेरे को पता लगा ये जो चीज़ देख रहे हैं ना सामने, ये जो महाराज जी ने, प्रभु जी ने बताया था कि वहाँ पर प्रे की थी शारजा में कि मंदिर बने, मतलब यूएई में भी, तो वैसी शेप में यहाँ पर बनाया। अगर आप भी आ रहे हैं कभी तो यहाँ पर प्रे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ जो संस्था है ना स्वामी नारायण संस्था, उनका भाई 52 कंट्री में मोर देन ये अराउंड 1200 मंदिर उन्होंने बनाए हैं। चलते हैं भाई कुछ खाते पीते हैं यार, थैंक यू सो मच भाई यार, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो भाई चलो फूड खाते हैं, बहुत भूख लग रही थी। एंड थैंक यू सो मच भाई, शूट के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, जितने भी क्रिएटर्स आए हैं सब लोग के लिए फूड। और स्पेशली पता लगा कि यहाँ पर जो मास्टर शेफ निकिता गांधी मैम है ना, उन्हीं के थ्रू ही पूरा फूड प्रिपेयर किया, वो वहाँ पर ही खड़े हैं सामने। तो चलिए बैठते हैं, फूड खाते हैं। इसको रिव्यू नहीं दूंगा भाई, इसका कोई रिव्यू करने नहीं आया, एज अ प्रसाद ही हमने ऊपर अभी बच्चों ने बनाए थे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगे, तो मुझे बहुत ही प्यार लगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप इसे देखें तो तीन चीजें आपके माइंड में रखिए, लव, पीस और हार्मनी। करेक्ट सर, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता आज वाला दिन। तो खाना पीना खा लिया हमने और यहाँ पर देख लो जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत ही स्वीट जेस्टर ये दिया है, ये तो भाई मैं घर जाके रखूंगा, बहुत ही प्यारा। आपको पता जो बच्चे बना रहे थे ऊपर, कोई बैग में मुझे प्रसादम दिया है और इसमें कुछ और है एक चीज़। तो थैंक यू सो मच, बारी बारी बोलूँगा भाई, मुझे इनविटेशन आया। और देख लो यार बाहर के देश में आकर यार ऐसी चीज़ें कवर करने का एक प्राउड मोमेंट ऐसा लगता है भी, हाँ भाई लाइफ में कुछ किया है अब। लेकिन यार अब एक्चुअली पता क्या हो रहा है, मेरे को ना स्टोन है उसका पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना भाई, मेरे सिर घूम रहा है और मेरा पेन इतना हो रहा है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं अब थोड़ा सा लो लग रहा होगा आपको। अब क्या करूँ, मेडिसिन भी नहीं, एकदम से हो गया यार। अब बात किए डॉक्टर से, अब जाना है भाई इंडिया ही जाना है, यहाँ से जा रहे हैं अबूधाबी। जी गाइस, तो बाहर आ चुका हूँ और थोड़ा सा टायर्ड हो गया एक्चुअली, आपको बताया मैंने, पेन इतना हो रहा है ना, चला भी नहीं जा रहा। अब देखता हूँ कोई बैग में टैबलेट होगी तो टैबलेट लेते हैं, यहीं मैंने बैग रख दिया था अपना, क्योंकि यहीं से मैं एयरपोर्ट जाऊँगा कैब बुक करके। और कैसा लगा बताना ज़रूर यार कमेंट सेक्शन में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपके भाई मेहनत कैसी कर रहा है बता देना बस यार, प्रभु कृपा है तो यार, अपने को तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था भाई,
बस मेरा जो अनमन में आया मैंने फ्लाइट कैंसिल करी और एक नई बुक करी। ठीक है, चलता रहता है यार, इतना अच्छा एक्सपीरियंस और कह सकते हैं इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली हमें, अब सबको मिली यार साथ में यार। बाकी चलते हैं, थोड़ा टेंट यहाँ पर बना, वहीं बैठते हैं। और भाई क्या बैकेंड पे वर्क चल रहा है, दिन रात यहाँ पर देख लो बीबी, दिन रात काम चल रहा है। आपको पता ही है 14 तारीख को ओपनिंग है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे और ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है, कह सकते हैं आप वर्ल्ड वाइड सबसे बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। Don't believe, अभी मैं बाहर आया और यहाँ पर देखो बारिश हो रही है भाई, दुबई में मतलब यूएई में बारिश, ये देखो ना पूरे बादल आए हुए हैं और यहाँ पर देख लो यहाँ पर सब लोग खुश हो रहे हैं। देखो भाई जी, चलो जी रेडी हैं, निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और जाते जाते भाई बारिश हो रही है यहाँ पर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भी यहाँ पर भी बारिश इतनी होती है, बट इतनी मतलब तेज ज्यादा नहीं हो रही, हो रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है एयरपोर्ट, बड़ा है अभी दुबई, मैं सोचा दुबई है बहुत ही बड़ा है ना, काफी ज्यादा। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और कैसा लगा पूरा टूर ओवरऑल बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 तारीख को 1 मार्च से मंदिर ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए और 14 फरवरी को हमारे माने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन के लिए, तो तब तो मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं आया था। और स्पेशली थैंक्स टू यार BAPS जो भी स्टाफ मतलब जो देख रहे हैं संस्था से, यार थैंक यू सो मच। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अब देखते हैं, मेरा पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है पथरी का, अगर अलाउड करेंगे मतलब हेल्थ अलाउड करेगी तो करेंगे व्लॉग, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आपको मिलेंगे सीधा इंडिया में। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड जय श्री राम।